हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं हूं रवि मल्होत्रा और ये है मेरी गाड़ी स्कॉर्पियो एन। तो आज हम क्या निकालने वाले हैं, इसकी टर्निंग रेडियस। क्यों? क्योंकि इसकी टर्निंग रेडियस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी लिस्टेड नहीं है, ना महिंद्रा की साइट पे, ना उनके कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स को पता है कि इसकी टर्निंग रेडियस क्या है। एक्सक्यूज मी। तो हम क्या करेंगे, हम आज इस गाड़ी को इस ट्रैक के ऊपर चला के इसका जो सर्कल बनेगा हम उसको मापने की कोशिश करेंगे इंची टेप से, ठीक है, जो आपके हर घर में मौजूद होता है, और उससे हम इसका अप्रोक्सीमेट हम इसका निकालने की कोशिश करेंगे जो इसकी रेडियस बनती है। क्योंकि रियल टाइम सिनेरियो में आपने उतना बड़ा ही सर्कल लेना होता है, ठीक है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि इसको आगे पीछे करना पड़ जाता है, ज़्यादा करना पड़ता है कंपेरिजन टू हैरियर। और मैंने सफारी खैर अभी एक बार चलाई है तो उसका ज़्यादा मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट हैरियर का है और उससे ज़्यादा इसका सर्कल बनता है, तभी इसकी इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी लिस्टेड नहीं है। तो अभी क्या करेगी मेरी वाइफ लिप्सा, इसको गाड़ी को चलाएगी और चलाने के बाद हम इसको मापेंगे और माप के आपके सामने वो भी हम प्रेजेंट करेंगे कि इसकी टर्निंग रेडियस एक्चुअल में है कितनी। हम तो और सिंपल सर्कल पूरा बनाएंगे गाड़ी से, जो कंपनीज निकालती हैं टर्निंग रेडियस देयर वे इज डिफरेंट। हाँ, जो कंपनीज जो टर्निंग रेडियस निकालती हैं उनका क्या है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालती हैं जो फ्रंट एक्सल्स होते हैं और रियर एक्सल्स होते हैं, और कुछ उनका लाइट एमिनेशन प्रोसेस भी होता है जिसके थ्रू वो निकालते हैं। बट एग्जैक्टली रियल टाइम सिनेरियो में जब आप अपने घर में, अपने बगल में, अपने रोड्स में, अपने स्ट्रीट्स में जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उसमें जो आपका सर्कल होता है वो तो एक्चुअली होता है, वो हम आज एब्सोल्यूट आपके सामने निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं, वो गाड़ी का हम सर्कल लेंगे। अभी खैर यहाँ पे थोड़े निशान जो गाड़ी के हैं वो कम आ रहे हैं, तो अभी हम आगे की तरफ लेके जा रहे हैं गाड़ी को। अभी हम गाड़ी को आगे, तो अभी गाड़ी को लिप्सा चलाएगी, हम आगे की तरफ कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो निशान है, जो मार्किंग्स है टायर्स की, वो इतनी अच्छे से नहीं आ रही है। तो हम आगे की तरफ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे मार्किंग्स अच्छे से आएंगी। आगे की तरफ, आगे की तरफ, आगे की तरफ, बस बस बस, वेट 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 वेट। तो अब टर्न ले लेते हैं इसको, ठीक है, पूरा फुल फुल। तो निशान तो बन गए गाड़ी के, देखा हो आप अच्छे से, ठीक है। तो जो इसका पूरा सर्कल बनेगा उस सर्कल को हम माप लेंगे। वेट वेट, बस बस बस, तो अब लिप्सा निकल रही है और वो इसमें से इंची टेप निकालेगी, तो हम इंची टेप का यूज़ करते हुए इसको मापने की कोशिश करेंगे। सर्कल तो काफ़ी बड़ा है, देखिए आप कितना बड़ा सर्कल बनता है यार गाड़ी का, देखिए आप कितना बड़ा सर्कल है, इट्स वेरी वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा सर्कल है, ठीक है। तो इसका जो पहला वाला निशान है लिप्सा, यहाँ से यहाँ पे, चलो पकड़ो ये, यहाँ बहुत मिट्टी है तो लिप्सा कैमरा पकड़ेगी, है भी तू पकड़ेगी कैमरा, चल कि कैमरा पकड़ रही है और मैं इसको मापता हूँ। ये हमारा इंची टेप है देसी वाला, तो इसको मापना स्टार्ट करते हैं। इसको मापना आउटर सर्कल, ये हमने रख दिया यहाँ पे, जिसका एज है ना इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब ये रुक को हिल गया, तो दबा के रखना पड़ेगा, आ रहे हैं, बस रुको रुको रुको, आ रुको ना, खींचो ना रवि, ठीक है, दबा ले इसको पहले, ठीक है। अब मेरी तरफ लेके आना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे हमको दिखाना है सबको, पहले आप ले जाओ इसको पीछे तक, फिर आती हूँ मैं। करीब करीब 40.5 फुट है ये, 6 पे आ रहा है ना, 46 फीट है
और 40 फीट एंड हाफ है, 40.5 फुट है, ठीक है। सो इसका आधा होगा 20 फुट। तो ये जो मार्किंग है ये इसके ऊपर पूरी आ गई, और बहुत बड़ा सर्कल बनता है यार गाड़ी का ना, बहुत बड़ा सर्कल है देखो। मतलब मैं सोच रहा था कि मतलब कि इसीलिए शायद कंपनी ने छुपाया है, और वाकई में छुपाने का रीज़न अब समझ में आता है कि गाड़ी बहुत लंबा चक्कर लेती है यार घूमने के लिए। तो कहीं पे आपको मोड़ना है तो आपको मतलब हाफ सर्कल लेना है तो, बट वही है गाड़ी ऊंची है तो मतलब इजी टू ड्राइव है, इजी टू ड्राइव है। हाँ पता नहीं क्यों चलाने में इतनी मुश्किल लगती है, जब व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट इट बिकम्स वेरी वेरी लाइट व्हीकल, बट इट इज़ एक्चुअली वेरी हैवी व्हीकल। बट दाद देनी पड़ेगी महिंद्रा की, गाड़ी ऐसी बनाई है कि बस मन करता है कि चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। तो अभी हम इसका निकाल लेते हैं कि अगर हम बोले 20 फीट का, तो अगर हम मोबाइल में देख पा रहे हैं हाँ, तो ये 6.172 मीटर्स इसकी बन रही है। तो हम मान के चलते हैं कि इसकी जो टर्निंग रेडियस है वो 6 मीटर्स है। तो बाकी की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनकी या तो 5.8 है 5.6, मेरे को लगता है कि जो टोयोटा इनोवा है उसकी 5.8 है, और सफारी की भी लगभग इतनी है 5.8। वहाँ पे मेंशन किया उनकी उनका मेंशन है, बट इसका मेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी ज़्यादा है, इसकी 6.172 आ रही है, तो इतनी ही होगी इसकी टर्निंग रेडियस, जो कि ज़्यादा है कंपैरिजन टू अदर कार्स। दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट रिवील्ड टू द पब्लिक येट। सो लेट्स सी उनका नापने का तरीका कैसा है और वो क्या निकाल के देते हैं इन फ्यूचर। चलो तो गाइज एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो बनाना, सिर्फ सफारी सॉरी सिर्फ स्कॉर्पियो एन के की बात ही नहीं है, हम और भी गाड़ियों के बारे में कोशिश करेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप लोग हमारा कितना अच्छा लाइक करते हैं, कितना अच्छा कमेंट्स करते हैं, और कितने सब्सक्राइबर मुझे मिलते हैं। मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है, मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है यूट्यूब, तो प्लीज़ हेल्प मी टू गेट सम सब्सक्राइबर्स एंड कमेंट्स एंड लाइक्स फ्रॉम यू, सो दैट विल डेफिनेटली एनकरेज मी टू यू नो गेट सम मोर वीडियोज़ फॉर यू गाइज। तो फिर मिलते हैं, दैट्स इट फॉर नाउ, एंड विल मीट अप अगेन। थैंक यू सो मच।